पानी हर किसी को चाहिए, मगर पानी बचाने की चिंता किसी को भी नहीं है। राजधानी रायपुर में लाखों आलिशान मकान हैं, हजारों की संख्या में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भी हैं, मगर अधिकांश मकान और कॉम्प्लेक्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं लगा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि जो बारिश होती है उस पानी को यूटिलाइज करना, उसे स्टोर करना। उधर निगम के खजाने में लोगों के 15.5 करोड़ रुपए जमा है, मगर निगम भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने में रुचि नहीं दिखा रहा। तो फिर कैसे जल संचयन होगा, पानी की समस्या दूर कैसे होगी? इंसान 5 दिन बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 1 दिन भी गुजारना मुश्किल है। जब भी जल के महत्व की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही लाइन आती है, जल ही जीवन है, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जल का संचयन नहीं करते, उस पर बात नहीं करते और ना ही उस ओर सोचते हैं? मानसून कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। हमारा फर्ज है कि हम बारिश के पानी का संचयन करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, लेकिन ना ही हम ऐसा करते हैं और ना ही रायपुर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है। नियम क्या कहता है? कहते हैं कि जब एक मकान बनता है तो 150 वर्ग फीट के ऊपर बनने वाले मकान पर अनिवार्य निगम से मकान बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर मकान बनाने की अनुमति 110 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से होगा चार्ज। सामान्य आवास के लिए 15,000 लगेंगे। इसके लिए निगम को 2017 से 24 तक करीब 16 करोड़ रुपए मिले। 8,690 लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने में रुचि दिखाई। मकान बनने के बाद जियो हाइड्रोलॉजिस्ट प्रमाण पत्र देता है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद पैसे मिल जाते हैं। जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, ऐसे स्लोगन अब दीवारों में ही नजर आते हैं। सरकारी दफ्तर हो या आलिशान मकान, आवास या फिर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, अधिकांश जगह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। यही वजह है कि रायपुर में दिनों दिन जल का स्तर गिर रहा है। ऐसे में निगम ने कठोर कार्रवाई की बात कही है। इस बार मुझे लगता है कि बाकी देखिए, बाकी जैसे पहले जो काम होते थे, इस बार आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत तेजी से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस बार संख्या बल भी अच्छा बढ़ेगा, और नहीं होगा जो नहीं कराएगा तो आप देखिएगा उस पर कार्रवाई, इसके ऊपर कठोर सख्ती की जाएगी। और नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो बना रहे तो उसको सील भी कर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में पानी की किल्लत से रोज 2-4 होना पड़ता है। आधा दर्जन से ज्यादा वार्ड ऐसे हैं जहां पानी के लिए मारामारी है, मगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई लगाना नहीं चाहता। जिस नगर निगम के पास अधिकार है वो भी मोटी रकम दबाए बैठा है। ऐसे में पानी का संचयन कैसे होगा? न्यूज 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पिता के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या कर दी है। गाड़ी की किश्त को लेकर विवाद शुरू हुआ, किश्त जमा करने के विवाद में हत्या कर दी। धरसीवा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी है। पिता के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या की गई और गाड़ी की किश्त को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। रायपुर से खबर, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पिता के साथ मिलकर छोटे भाई की हत्या की है बड़े भाई ने। विवाद तब शुरू हुआ जब गाड़ी की किश्त भरने की बात आई। दोनों के ही बीच विवाद हत्या में तब्दील हो गया, किश्त जमा करने के विवाद में हत्या कर दी गई। और अब खबर रायपुर से है, जहां ऑटो संघ ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऑटो संघ ने रेल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऑटो संघ ने रेल प्रबंधन के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है और
संघ ने रेल प्रबंधन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। रेलवे स्टैंड में वसूली के विरोध में हड़ताल की बात की जा रही है। ऑटो चालक से 20 रुपए ट्रिप वसूले जा रहे हैं। ऑटो चालक काम बंद कर हड़ताल पर अब बैठ गए हैं। दुर्ग जिला सहित राजनांदगांव और बालोद जिलावासियों की प्यास बुझाने वाली शिवनाथ नदी लगातार दूषित हो रही है। संपूर्ण दुर्ग जिले से निकलने वाला दूषित जल वर्षों से शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है, जिससे एक ओर नदी का जल दूषित हो रहा है तो दूसरी ओर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश में सरकारें बदलते रही लेकिन बदले नहीं तो यहां के हालात। यही वजह है कि शिवनाथ नदी पुकार रही है कि कोई तो आए और उसे सवारे। सरकारें बदल गईं, लेकिन बदले नहीं तो हालात। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई नाला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिसे देखकर हम नाला समझ रहे हैं वो शिवनाथ नदी है। वही नदी जिसे जीवनदायिनी कहते हैं, जो कंठों की प्यास बुझाती है। कोई हजार दो हजार लोगों के कंठ नहीं बल्कि पूरे शहर के लाखों लोगों की प्यास। शिवनाथ नदी में संपूर्ण जिले के सीवरेज, नदी नालों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी आकर मिल रहा है। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नदी दूषित हो रही है, लेकिन अफसोस कि इसको बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भिलाई दुर्ग की प्यास बुझाने वाली ये वही शिवनाथ नदी है, जहां से संपूर्ण शहर का जो दूषित जल है वो संपूर्ण शिवनाथ नदी में आकर मिल रहा है। देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ठीक ये वही स्थान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना शहर से जो गंदा पानी है नालों के माध्यम से आता है और यहाँ पर आकर मिलता है। और आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे में जो है ये 24 MLD फिल्टर प्लांट है, जहाँ से संपूर्ण दुर्ग में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस जगह में ये फिल्टर प्लांट है वहीं पर जो है दूषित जल आके मिल रहा है, जबकि नदी थोड़े से किनारे में है। करीब 10 साल पहले दुर्ग नगर निगम ने शिवनाथ नदी को बचाने के लिए सत्तासीन बीजेपी ने STP की योजना बनाई थी। करीब 1 करोड़ की इस योजना के तहत गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर पानी को डाइवर्ट कर नदी के एनीकट के दूसरी तरफ भेजने की योजना थी, लेकिन शहर में कांग्रेस की सत्ता आते ही उन्होंने अपने हाथ में काम लिया और फिर काम अधर में लटक गया। उस समय हम लोगों के समय सीवरेज का पानी जो नदियों में जा रहे थे उसके लिए हम लोग प्रयास किए और हमारा पैसा भी 16 वित्त आयोग का पैसा आ भी चुका था और टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी थी। आज उनको विधायक और महापौर को देखना था, विधायक और महापौर में कहीं कहीं उनमें कमियां पा रही है, इसलिए वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार रही है, देखिए भारत सरकार की जो अमृत मिशन योजना थे उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि नदियों पे जो पानी जा रहा है शहर के नाली नदी नालों का या छोटे छोटे नालियों का, उसको नदी में डालने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और इसका प्रावधान अमृत मिशन योजना की जो राशि उपलब्ध कराई गई थी उसमें था, और उसका कार्य कुछ विलंब से किसी कारणवश तकनीकी रूप से प्रारंभ नहीं हो सका, लेकिन विगत 4 वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।